जी कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं, उनको क्या लगता है? सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूँ वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो, और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपए आप लेकर के जाती हैं, आपको हिम्मत डर नहीं लगता? मैं सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजेक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है, मेरे पास एनी टाइम 1-1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। ये छोटी छोटी बच्ची आ जाइए सब, जरा अपना अनुभव बताइए क्या क्या हुआ है। इस योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है। हाँ। पढ़ाई में हमें सहायता मिली है। अच्छा पढ़ाई में मन लगता है? बहुत। तो अभी तो स्कूल बंद थी तो क्या करते थे? ऑनलाइन पढ़ाई। तो अब आ गया है ऑनलाइन? तो अब ज्यादा ऑनलाइन अच्छा लगता है कि स्कूल जाना अच्छा लगता है? नहीं स्कूल जाएंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ना चालू रखेंगे, नई नई चीजें पढ़ सकते हैं, हैं? पढ़ सकते हैं ना? ये ऐसी योजना है जो बेटियों के लिए बहुत बड़ा संबल है। जब बेटी 18-20 साल की होगी, जब कॉलेज जाना होगा, तो घर को लोगों को लगेगा भाई अब तो इसके पास पैसे हैं, हम उसको देते हैं, ये लगेगा उसको। सर आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया है, बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके अलावा और क्या चाहिए बेटियों को। बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे इसके। बेटी को पढ़ाने का जन्म से है तो भाई अभी भी है, उसके आगे भी पढ़ाई लिखाई में सब में भाई हम लोग को सुविधा है, बस ऐसे ही आप बेटियों के विषय में सोचते रहें और बेटी भी आगे बढ़े। कुछ भी हो जाए बेटी को पढ़ाना चाहिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।